भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने आज भोपाल के मंडीदीप स्थित दीपड़ी गांव पहुंचकर जनसंपर्क किया। गांव पहुंचकर पीसी शर्मा ने लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। पीसी शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। पीसी शर्मा ने किसानों से उनकी मदद करने का वादा करते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर पीसी शर्मा ने भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जमकर कोसा। राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए पीसी शर्मा ने रहवासियों से कांग्रेस को वोट देकर भारी मतों से जिताने का आग्रह किया। पीसी शर्मा जी, अभी बताइए कि इधर जो आप आए दीपड़ी गांव में, किन किन मुद्दों को लेकर आए? मुद्दे वही है, यहाँ के गांव की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो गेहूँ नहीं तुल रहा है, ये केवल घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री जी, आज गेहूँ तुलना चाहिए, पूरा उसका रेट मिलना चाहिए, पूरा भाव मिलना चाहिए, थोड़ी मिट्टी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये फैसला उनको लेना चाहिए। अगर उनने फैसला नहीं लिया तो हम सड़कों पर और हर जगह घेराव करेंगे और किसान को पूरा पूरी दर पूरा रेट उसका गेहूँ का दिला के रहेंगे। दूसरा, जो मुआवजा सोयाबीन का नहीं मिला, जो अभी ओले गिरे उसका नहीं मिला, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, वो दिलवा के रहेंगे। उसके बाद जो बीमे के पैसे नहीं मिले उसकी लड़ाई लड़ेंगे, और जो इन क्षेत्रों के अंदर जो मुद्दे हैं वो किसान के हैं, क्योंकि किसान 24 घंटे मेहनत करता है, गर्मी धूप पानी सब में मेहनत करता है, उसके बाद उसकी फसल का अगर वो नहीं मिले, उसकी कीमत नहीं मिले, उसका मुआवजा नहीं मिले और उनको आत्महत्या करना पड़े, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भोपाल का या इस प्रदेश का नहीं हो सकता। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत जो है गाँव में बसता है, और जब भारत ही इस तरह से मरेगा तो बाकी चलेगा कैसे, इसलिए ये संघर्ष हमारा चलेगा और संघर्ष और सेवा यही काम हम करते हैं और इसी की लड़ाई लड़ेंगे। एमएसटीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ संदीपिका शर्मा की रिपोर्ट।